हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऑल अबाउट ITI क्लासेस में। और पिछले तीन चार क्लास से हम लोग मेटल पढ़ रहे हैं और लग रहा है आप लोग भी मेटल पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गए हैं। तो आज का जो मेटल का जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है या लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग मेटल नहीं पढ़ेंगे। और आज हम लोग अलौ धातुएँ, मेटल में अलौ धातुएँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अलौ धातु क्या है। ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, बहुत छोटा क्लास है। चलिए, तो आप लोग भी नोट्स बनाइए साथ में। और अलौ धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं उनको देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अलौ धातु नॉन फेरस मेटल। जिन धातुओं में लोहा का अंश नहीं होता है वह अलौ धातुएं कहलाती हैं। अलौ धातुएं शुद्ध अवस्था में बहुत नरम होता है, जिससे इनका उपयोग कुछ ही कार्यों तक सीमित रहता है। ठीक है, सामान्यतः इनका उपयोग आधार धातुएं बेस मेटल के रूप में अलॉय धातुओं में होता है। ठीक है, मुख्य प्रकार अलौ धातुएं के क्या क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अलौ धातु किसको बोलते हैं? ऐसे धातुएं जिनमें लोहा का कुछ भी मात्रा नहीं होता वो अलौ धातुएं होती हैं। क्लियर है, और बहुत सॉफ्ट होने के कारण इसका जनरल बहुत ज़्यादा पे यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से अलौ धातु हैं जिनका हम लोग को देखना है। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, रांगा जिसको टीन बोला जाता है, सीसा, सिल्वर, निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, एंटीमनी, कैडमियम। ठीक है, इन 10-11 धातुएं हैं, उनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं कौन सा धातु क्या होता है, क्या क्या यूज है उसका। तो पहला देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आप सबको पता है, एल्युमिनियम की प्राप्ति उसके अयस्क से होती है। पहले क्लास में मैंने बताया था सभी जितने भी मेटल प्राप्त होते हैं वो सब उसके अयस्क से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम भी अयस्क से प्राप्त होता है। इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। अब एल्युमिनियम के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या गुण हैं उसको देखते हैं। एल्युमिनियम चांदी सी चमक तथा नीला झलक लिए सफ़ेद रंग की धातु होती है। इसकी सतह पर शीघ्र ही ऑक्साइड की पतली तह जम जाती है जो कि इसे चमक को हल्का कर देती है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल है, यह एक हल्की धातु होती है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.3 होता है। इसी की जगह पे स्टील का कितना था घनत्व? 7.8 था सेंटी, इतना ग्राम था पर सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, इसका बहुत कम है, वेट बहुत कम है। नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम का गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, इसका गलनांक पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर गर्म करते जाएं तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल के लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा। एल्युमिनियम सामान्यतः 98 से 99% तक शुद्ध होता है। शेष मात्रा इसमें तांबा, सिलिका और लोहा भी होता है। ठीक है, सामान्यतः ताप पर हवा का प्रभाव एल्युमिनियम पर नहीं पड़ता, एल्युमिनियम पर शुद्ध पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु समुद्री पानी या अशुद्ध पानी से इसका संक्षारण हो जाता है, मतलब इसमें जंग लगना चालू हो जाता है या इसमें घिसावट चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्युमिनियम तन्य होता है, डक्टाइल होता है। इसको पीट पीट के या फिर मशीन में रोलिंग कर करके लंबा किया जा सकता है, इसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है मेलेबल प्रॉपर्टी, इसको आसानी से पीट पीट के इसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इससे तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है तथा पतली चद्दर के रूप में भी रोल किया जा सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट है इसकी तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। तनन सामर्थ्य मतलब वही खींचने की, इसको लंबा खींचा जा सकता है तार के रूप में।
और नेक्स्ट, यह विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है और सबसे अच्छा ऊष्मा का भी चालक है और विद्युत का भी चालक है। वायुमंडलीय प्रभाव लगभग नगण्य है। सामान्य वायुमंडलीय स्थिति में भी एल्युमिनियम को रखा जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग क्रियाएँ नहीं की जा सकती। अब सोल्डरिंग ब्रेजिंग क्या है, आगे चैप्टर में हम लोग सोल्डरिंग ब्रेजिंग भी पढ़ेंगे, जॉइंट वाला पढ़ेंगे तब, और वेल्डिंग के थ्योरी में ज़्यादातर इसको पढ़ेंगे। सोल्डरिंग ब्रेजिंग एक प्रकार का कच्चा जोड़ बनाने का विधि है, जिसमें टीन, लेड ये सब का यूज़ करके, सोल्डर का यूज़ करके हम लोग जॉइंट बनाते हैं। बट ये परमानेंट जॉइंट नहीं होता, एक सेमी परमानेंट जॉइंट है, कच्चा जोड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इंडस्ट्री में। एल्युमिनियम का उपयोग इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। परिवहन के क्षेत्र में अगर देखें तो हल्केपन के कारण एल्युमिनियम का उपयोग ट्रक, ट्रेन, बस, कार, जहाज, हवाई जहाज आदि के निर्माण में ज़्यादा किया जाता है भाई। मशीनें तथा ढांचे में देखा जाए तो उच्च तनाव सामर्थ्य होने के कारण या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होने के कारण, मेलेबल बहुत होने के कारण एल्युमिनियम का उपयोग मशीन के पार्ट्स बनाने में भी किया जाता है। वायुमंडलीय प्रभाव में क्या करते हैं, एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग रूफिंग, आवरण आदि में तथा दरवाज़ा, खिड़की के निर्माण आदि में किया जाता है। अब ये हवा के साथ, पानी के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता जैसे कि लोहा करता है। लोहा को बहुत दिन तक अगर पानी में रखा जाए या खुले हवा में रखा जाए नमी के साथ, तो जंग लग जाता है, पूरा पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन एल्युमिनियम को ऐसा रखते हैं तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खिड़की बनाने में, दरवाज़ा बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है, धातुकर्म। इस्पात के उत्पादन में एल्युमिनियम का उपयोग अपचयन पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग धातुकर्म उद्योग में एलॉयिंग धातु के रूप में भी किया जाता है। बहुत जगह पे एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक लास्ट उपयोग है इसका, विद्युत उपयोग। एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत केबल के निर्माण में किया जाता है। फैक्ट्रियों के आसपास विद्युत वितरण के लिए एल्युमिनियम के बस बारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग बहुत सारा है, देखते हैं। एक दो और उपयोग है, रसायन तथा खाद उद्योग में। रसायनों के प्रति एल्युमिनियम एक अच्छा प्रतिरोधक पदार्थ है। इसमें फैब्रिकेशन के भी अच्छे गुण होते हैं और इन कारणों से इसका उपयोग रसायन तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। इस आधार पर एल्युमिनियम के खाने के, पकाने के बर्तन या कुकर्स, डेयरी उत्पाद आदि में ये सबका उपयोग किया जाता है। और अन्य उद्योग, बर्तन बनाने में एल्युमिनियम के पेंट आते हैं, फैब्रिकेशन में, सिगरेट, दवाई आदि की पैकिंग के लिए फाइल, मिठाई के ऊपर जो एक पतला परत जमा रहता है ना सिल्वर का, वो भी होता है फॉइल। और फ्लैश बल्बों में एल्युमिनियम अलॉय बनाने में, वेल्डिंग में उद्देश्य के लिए, एक थर्मिट बनाने में एल्युमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उपयोग है इसका इंडस्ट्री में। तो चलिए कुछ उपयोग देख लेते हैं एल्युमिनियम का। ये देखिए, विद्युत विभाग क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो सर्किट आपको दिख रहा है, इस सर्किट के जो ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा होगा, ये जो लाइन है, ये सब बने हैं जो इसमें से एक जगह से दूसरी जगह इसमें सप्लाई जो जाता है, ये भी एल्युमिनियम से बनता है, ठीक है। और ये सब देखिए, ये भी एल्युमिनियम से बनता है। ये वही फॉइल है जो अभी बात कर रहे थे, एल्युमिनियम का केबल बनता है। एरोप्लेन वाला जो पार्ट्स हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में बहुत उपयोग करते हैं, ये भी बर्तन से रिलेटेड कुछ उपयोग हैं वो सब करते हैं। और देखिए, ये कुंडी के लिए, टेबल बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, ये घर वगैरह में इंडोर आउटडोर के खिड़की दरवाजे आदि पे, और ये रूफ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा उपयोग हम लोग इसका करते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एल्युमिनियम के बाद जो अगला मटेरियल है
वो है हम लोग का तांबा। तांबा को बोलते हैं कॉपर। तांबे का अयस्क, भाई एल्युमिनियम तो बॉक्साइट से मिल जाता है, तांबा किससे मिलता है? तांबे का अयस्क क्या है? तांबे के अयस्क सामान्यतः इसके ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं। मुख्यतः अयस्क में निम्न प्रकार के अयस्क हैं। इसके बोल रहे हैं ऑक्साइड के रूप में देखा जाए तो क्यूपराइड या लाल तांबा जिसको बोलते हैं क्यूपराइड, सल्फाइड के रूप में कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइड, मेलेसाइट और कार्बोनेट के रूप में एजोराइट। ये जितने नाम जो आपने सुना ये सभी कार्बन तांबा के अयस्क हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कॉपर की कम मात्रा कॉपर सिलिकेट, आर्सेनेट, फास्फेट में भी मिलता है, ठीक। अब ये तो हो गया कहाँ से मिलता है, अब इसके तांबे का गुड़ क्या क्या है और क्या क्या यूज़ किया जाता है उसको देखते हैं। तांबे का जो गुड़ है, तांबा लाल भूरे रंग की नर्म धातु है। इसका गलनांक 1083 है, ये बहुत ज़्यादा है एल्युमिनियम की तुलना में। उसका तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये गलन बिंदु है और क्वथनांक जो होता है जिस टेम्परेचर पे ये उबलने लगता है, जैसे पानी 100 डिग्री में उबलता है और थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो गर्म तो हो जाता है, पिघल जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे पानी पिघल जाता है और 100 डिग्री पे उबलने लगता है, वैसे ही ये 1083 पे गलनांक गल जाता है और 2325 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है, उबलने लगता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 8.93 है। यह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। मौसम का सामान्यतः इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह टेंसाइल तथा मेलेबल भी होता है। इसकी तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है और सीट के रूप में भी रोल किया जा सकता है। इस पर मशीनिंग क्रियाएं सुगमता से हो सकती हैं और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग आदि क्रियाएं भी इसके लिए उपयुक्त होती हैं। संचारण रोधी होता है तथा उच्च तनाव व संपीड़न दोनों ये झेल सकता है, मतलब कंप्रेस भी किया जा सकता है और टेंसाइल फोर्स भी इसमें लगाया जा सकता है। तो इसके उपयोग क्या क्या है उसको देखते हैं। विद्युत उपयोग में क्या है, इंसुलेटेड तार, वाइंडिंग तारें, नंगी तारें तथा अन्य विद्युत साज समाज में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग तो आप लोग को जनरल पता होगा, जितने भी बाइंडिंग करते हैं इलेक्ट्रिक क्षेत्र में वो सभी इसी से बनते हैं, ठीक है। यांत्रिक उपयोग में बॉयलर के पार्ट, वाष्पीकरण टैंक, पाइप आदि उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं, यू और ये ट्यूब वगैरह बनाए जाते हैं। जहाज निर्माण में भी उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के पार्ट्स बनाने के लिए, टेलीफोन व टेलीग्राम उपकरण के लिए और पीतल, ब्रॉन्ज, गन मेटल आदि के उपयोग आदि में भी इसका एलॉय के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखिए पीतल है क्या, आप थोड़ा सा देख ही लीजिए सब, ये देखिए ये जो लोटा वगैरह जो है आप सबके घर में ये रहता है, ये कॉपर से ही बना होता है, ठीक। ऐसे ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे बर्तन हैं जो कॉपर से बने होते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं कॉपर बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, कॉपर के बाद है जिंक। जिंक को देखते हैं, जिंक क्या बोलता है। जिंक इसको एक और इसका नाम है जस्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जस्ता। जस्ते के अयस्क क्या है, अभी मिलता कहाँ से है। जस्ते के मुख्य अयस्क, इनके रासायनिक सूत्र, जस्ते की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होती है, ठीक है। जिंकाइड से भी प्राप्त होता है जो ZnO, इसमें 80% तक जिंक होता है। जिंक ब्लेड है, इसमें 67% तक जिंक होता है। केलमिन है, इसमें 54% तक जिंक होता है। और फेक्रिनाइट होता है जिसमें 6.18% तक जिंक होता है। तो सबसे बेस्ट जिंकाइट है। भारत में इसके स्रोत बहुत कम है, थोड़ी मात्रा में इसके अयस्क उदयपुर, राजस्थान, जवारा खानों में और हजारीबाग में बिहार और दतिया और ग्वालियर मध्य प्रदेश में तथा मद्रास के कुछ क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। अब जिंक का उपयोग क्या क्या है उसको देखते हैं। यह नीलापन के लिए लिए हुए श्वेत रंग होता है, नीला रंग लिए हुए श्वेतपन रहता है। इसका गलनांक पॉइंट बहुत कम है कॉपर से भी और सिल्वर से भी, 420। क्वथनांक कितना है,
937 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपेक्षिक घनत्व इसका है 6.86, ठीक है। साधारण तापमान पर भंगुर होता है और 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह डक्टाइल तथा मैनेबल दोनों हो जाता है। इस तापमान पर इसे तारों के रूप में ड्रॉ किया जाता है तथा सीट के रूप में रोल भी किया जा सकता है। पुनः 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना भंगुर हो जाता है, इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है। बड़ा अजीब प्रॉपर्टी है भाई, आप लोग खुद देखिए। जब नॉर्मल वायुमंडलीय ताप में रहेगा 0 से लगभग 25 या 50 के आसपास, तो ये भंगुर रहता है। 100 से 150 के आसपास में इसको पीटा भी जा सकता है, इसको रोल भी किया जा सकता है। और फिर जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो ये फिर वही प्रॉपर्टी हो जाएगा वो जो स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो बड़ा इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। शुष्क वायु का सामान्यतः इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आर्द्र वायु इसकी सतह पर ऑक्साइड की सफ़ेद परत बना देती है और वायु के संपर्क में 100 डिग्री तक गर्म करने पर सफ़ेद यह नीला सफ़ेद ज्वाला के रूप में जलती है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है अभी उसको देखते हैं। जिंक के उपयोग, जिंक का उपयोग मुख्यतः स्टील के जस्तीकरण के गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है। जिंक के यौगिक जिंक ऑक्साइड का उपयोग पेंट बनाने के लिए तथा रबड़ व दवाई बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है। मिश्र धातुएं बनाने में जैसे पीतल, जर्मन सिल्वर, डेल्टा धातु आदि बनाने में उपयोग किया जाता है और डाई की ढलाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ मटेरियल देखते हैं जो जिंक से बने हो। इसमें से जिंक, ये कोबाल्ट है, ये निकिल है। तो जिंक से रिलेटेड कुछ मटेरियल मैं नहीं रख पाया हूँ, बाकी कोई बात नहीं, चलिए सिंपल यूज़ है। नेक्स्ट है टीन या रांगा। रांगा जिसको बोलते हैं या टीन बोलते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोग को। आप लोग सोल्डिंग आयरन करते हैं घर में, सोल्डिंग आयरन इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जो पहले गर्म करते थे सोल्डिंग आयरन, फिर एक रांगा लेते थे, उसी रांगा को मतलब दो ठो एक पेस्ट रहता था जिसको चटनी बोलते थे और एक रांगा होता है, उसी रांगे को एक सिल्वर जैसा मटेरियल रहता है जो वायर कॉइल के रूप में रहता है, उसमें थोड़ा सा पदार्थ हम लोग इसमें से टच करते हैं सोल्डिंग आयरन से तो तुरंत पिघल जाता है, उसको रांगा को ही हम लोग बोलते हैं टीन। अब टीन मिलता कहाँ से देखते हैं। टीन का मुख्य अयस्क क्या होता है, टीन स्टोन होता है, या इसको कैसेटेराइट बोलते हैं, ठीक है, कैसेटेराइट SNO2, ठीक। अब भारत में इसके स्रोत बहुत कम हैं, भारत में टीन के अयस्क बहुत कम मात्रा में, सिर्फ हजारीबाग बिहार में उड़ीसा में पाया जाता है। टीन बनाने का कोई बहुत बड़ा कारखाना भारत में नहीं है, ठीक है। अब टीन के गुण क्या कहें। रंग इसका श्वेत चांदी जैसा चमक लिए होता है। इसका गलनांक बहुत ही कम है, 232 डिग्री सेंटीग्रेड। अपेक्षिक घनत्व 0.3, बहुत ही ज़्यादा कम, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंगुर हो जाता है तथा इसे चूर्ण के रूप में चूर्णित किया जा सकता है, इतना भंगुर हो जाता है। यह नर्म धातु है, इसे सरलता से हाथों से ही मोड़ा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है और यह शीशे से कुछ कठोर और जिंक से कुछ नरम होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह तन्न हो जाता है और आघात वर्धनी भी हो जाता है और इसे तारों और चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पुनः ही भंगुर हो जाता है और दानेदार है या चूर्णित रूप में परिवर्तित हो सकता है। टीन की क्षण को यदि मोड़ा जाए तो इसमें चटकने की विशेष आवाज़ आती है जिसे टीन का चिल्लाना, क्राई ऑफ टीन कहते हैं। यह आवाज़ टीन के क्रिस्टलों के परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होता है। अब टीन का उपयोग कहाँ कहाँ है उसको देख लेते हैं। चॉकलेट, सिगरेट आदि को लपेटने के लिए टीन की पन्नी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः अलौ धातुएं के अलॉय बनाने में किया जाता है, जैसे सोल्डर, सोल्डरिंग आयरन जो बोला था वही सोल्डर, प्यूटर टाइप मेटल, कांसा, बेयरिंग मेटल आदि बनाने में किया जाता है। इस्पात और लोहे को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तांबे पर टीन की परत चढ़ाकर घरेलू बर्तन बनाने में भी उपयोग किया जाता है। टीन की परतें चढ़ाना टीनिंग कहलाता है।
दर्पण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दर्पण के पीछे जो पॉलिश रहता है वो टीन का रहता है। तांबे के फ्यूज तार पर भी टीन का लेप किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं एक बार रांगा किसको बोल रहा था, मैं वो देख लेते हैं। ये आप लोग ने देखा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं टीन। ये सोल्डिंग करते हैं तब इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए पहले पूरा देख लेते हैं, फिर एक एक यूज़ देखते रहेंगे, ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट जो मटेरियल है ये है चांदी। चांदी के अयस्क देख लेते हैं, हार्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। ठीक, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, ये चांदी के अयस्क हैं। और अर्जेंटाइट, सिल्वर ग्लास, चांदी प्राप्त करने का मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट है, जिसमें 87% तक हम लोग का इसमें चांदी रहता है। प्राकृतिक रूप में भी चांदी पाया जाता है, जो 90-98% तक शुद्ध रहता है। कुछ अन्य धातुएं जैसे कापर, सोना, सीसा, जस्ता आदि के अयस्क में भी चांदी पाया जाता है। ठीक, चांदी तो सबको पता ही है, घर में बहुत सारे इसका गहने जेवर आप लोग यूज़ करते हैं। सफ़ेद रंग की चमकदार धातु होती है, गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अपेक्षित घनत्व 10.5, सबसे ज़्यादा इसका अपेक्षित घनत्व है अभी जितने भी धातु देखें। इसका परमाणु भार 108 होता है और विशिष्ट प्रतिरोध इसका 1.62 माइक्रो ओम होता है। विद्युत व उष्मीय चालकता या अन्य सभी धातुओं की अपेक्षा विद्युत की बहुत अधिक चालकता और बहुत अधिक उष्मा का भी चालकता होता है, परंतु ये महंगी होने के कारण इसका सभी क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका जो तन्यता है या घातवर्धिनी है बहुत ही उच्च होता है। इसे तारों के रूप में या चद्दर के रूप में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, बट ये महंगा बहुत अधिक है। अब चांदी के आप केबल तार तो नहीं खरीदेंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो उसका गुण है। और इसका उपयोग देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया द्वारा ऑटो वाहनों के हेडलाइट आदि में प्रयोग किया जाता है। आभूषण व अन्य सजावटी सामान में प्रयोग किया जाता है। चांदी व इसके अलावा के सिक्के बनाए जाते हैं, बर्तन भी बनाए जाते हैं। फोटोग्राफिक सिल्वर नाइट्रेट तथा ब्रोमाइड आदि के यौगिक के रूप में भी काम आता है। सिल्वर नाइट्रेट और दवाई, दर्पण, मार्किंग, स्याही आदि के लिए भी इसका भी उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है। वैद्युत संपर्क, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और शोल्डर और ब्रोजेन एलॉय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इसका उपयोग घर में आप लोग करते हैं। नेक्स्ट है लेड या सीसा। सीसे के अयस्क क्या क्या है, इस अयस्क का नाम आप लोग याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर जनरली दो चार अयस्क मेन है उनको याद रखिए कहाँ से मिलता है। लेड सल्फाइट, लेड कार्बोनेट, लेड सल्फेट। लेड की प्राप्ति का मुख्य अयस्क लेड सल्फाइट है हमारे इंडिया में। भारत में शीशे का स्रोत क्या क्या है, शीशे के अयस्क बिहार या उदयपुर के जवारा खान में ही मिलता है बोल रहा है। जिंक के साथ पाया जाता है और शीशे का उत्पादन धनबाद में तुंदू के आसपास किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। शीशे के गुण, रंग यह नीले रंग की नर्म धातु होती है। गलनांक इसका 320 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक इसका 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। अपेक्षित घनत्व इसका और ज़्यादा है, 11.36 है। डक्टाइल और मेलिएबल गुण के कारण इसे तारों तथा चद्दरों में सरलता से बनाया जा सकता है। अन्य गुण इसका है, यह अत्यंत नर्म धातु है, इसे नाखून या चाकू से भी छीला जा सकता है। कागज़ पर रगड़ने से निशान छोड़ती है। खुले वातावरण में इसमें ऑक्साइड या हाइड्रोक्लोराइड या कार्बन की परत जम जाती है, जो कि बाद में धातु की सतह को वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित भी रखता है। ठीक है, इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, छाते के प्रिंटिंग टाइम, छापे वाले प्रिंटिंग वगैरह यूज़ में होता है। एसिड रखने के बर्तन में, बंदूक की गोलियाँ बनाने में, सोल्डरिंग अलॉय में, लेड की यौगिक श्वेत लेड और लाल लेड आदि बनाने में किया जाता है। सेनेटरी फिटिंग्स में किया जाता है। जल रोधी वाटर प्रूफ तथा अम्ल रोधी एसिड प्रूफ चेंबर में किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में किया जाता है।
विद्युत केबिलों के आवरण में किया जाता है, फॉइल में किया जाता है, भवनों के नमी रोधक स्तर पर किया जाता है, पेंट के लिए आवश्यक लेड ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निकिल। बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आपको कहाँ से मिलता है, कौन सा इसका ऑक्साइड है वो जानना ज़्यादा जरूरी है। यह सफ़ेद रंग की रवेदार धातु है, यह स्टील के समान कठोर और मेलेबल होती है, इस पर जंग का प्रभाव नहीं पड़ता, पॉलिश करने से अच्छी चमक आती है। इसका उपयोग लोहे तथा पीतल आदि से बने वस्तुओं पर प्लेंटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम धातु क्या बोलता है, यह नीलापन लिए हुए उजले रंग की धातु है, इस धातु पर जंग नहीं लगता, इसका उपयोग अलॉय स्टील बनाने और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में किया जाता है। ठीक है, ये सब बहुत ही कीमती कीमती मटेरियल है, सिंपल लोहा जैसे सभी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन यह चांदी के समान चमक लिए हुए उजली धातु है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अधिक होता है, अतः यह विद्युत फिलामेंट बनाने में अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, विद्युत फिलामेंट बल्ब जो रहता है, बल्ब का जो बीच का भाग रहता है ना जिसमें बल्ब जलता है, वो इसी से बनता है। नेक्स्ट है एंटीमनी। यह नीलापन लिए हुए भंगुर धातु है, इसका पाउडर भी बनाया जाता है और यह इसका इसका गलनांक इसका जो गलनांक है वो होता है 630 डिग्री सेंटीग्रेड। यह कम मूल्य की सस्ती धातु है और इसका उपयोग लेड और टीन से बने अलॉय मेटल का कड़ापन तथा गलनांक बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है कैडमियम। यह धूमिल डल रंग की चमकदार धातु है और इसका गलनांक 320 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कैडमियम को अन्य धातुओं का गलनांक बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे सॉफ्ट शोल्डर आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, तो बस इतने ही अलौ धातुएं हम लोग को देखना है, बाकी अलौ धातुएं और उसके फेरस मेटल में अगर इधर जो बाकी का एरिया है हम लोग को इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें अगर जाएंगे तो इसके अंदर में और बहुत सारे टाइप्स और वेराइटी हैं, तो उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। तो आज यहीं पर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे धातु को। ठीक, और अभी जो पढ़े धातु उनका हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये निकिल जो धातु है या कोबाल्ट जो धातु देख रहे थे उसका बेयरिंग बनाया जाता है। प्योर उसी से नहीं बनता, बनता स्टील से है, इसमें बस साथ में थोड़ा सा अलॉय में हम लोग इसमें मिलाते हैं निकिल, ताकि इसका जो हार्डनेस है वो बढ़े। ठीक, क्योंकि ये जो बॉल है ये ऊपर बूस को और नीचे बूस को दबाता है, अगर हार्डनेस नहीं रहेगा तो ये ऊपर कंप्रेस करके निकल जाएगा। ठीक, ये सेल है, ये कोबाल्ट वगैरह का यूज़ होता है, इसमें कोबाल्ट से बनते हैं। ये देखिए, इसमें भी निकिल कोबाल्ट या कैडमियम धातु इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैडमियम कोबाल्ट सब जो धातु इसमें मिक्स करके ही यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली उन धातुओं का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ये इसमें एल्युमिनियम यूज़ होता है। हाँ, ये देखिए, ये टंगस्टन का बना होता है, ये जो दिख रहा है आपको ये होता है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन धातु से बनता है, इसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3400 के आसपास होता है, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है बाकी धातुओं की अपेक्षा। ठीक है, ये जो कुछ मटेरियल देख रहे हैं ये भी निकिल या क्रोमियम वगैरह से बनते हैं। ठीक, ये निकिल है आपका, ये छोटे छोटे जो पार्ट बनते हैं निकिल क्रोमियम से ही बनते हैं। ठीक है, तो लगभग सब अलौ धातु जो थी जिसका मेनली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, उसको हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही ख़त्म करते हैं, और आप लोग वीडियो देखते रहिए और साथ पे अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए। और नेक्स्ट क्लास हम लोग किसी दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, या फिर मैं अपने हिसाब से बोलेंगे तो मैं अपने हिसाब से स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।